नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस गले की डिज़ाइन को, जिसे हमने एक इमेज फाइल पे से बनाया हुआ है। तो इसका पूरा डिटेल जो ड्राइंग वीडियो है वो देखने के लिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड इस डिज़ाइन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ड्राइंग। सबसे पहले इमेज फाइल इंसर्ट करने के लिए आपको ऊपर वाले जो मेनू दिए गए हैं वहाँ पे इमेज मेनू में जाना है। यहाँ से इंसर्ट फाइल के अंदर जाइए वहाँ से, और जो भी आपका एक्सटेंशन है यहाँ से देख लीजिए, BMP है, JPG है, PNG है, PCX, DXF, सारे एक्सटेंशन दिए गए हैं। जो भी आपका एक्सटेंशन है और जो भी आपका पाथ है वो सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से ये फाइल इंसर्ट हो रही है। उसको आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से छोटा बड़ा कर दीजिए। देखिए उसके बाद में एक मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन खींची है, देखिए ये सेंटर टू सेंटर जा रही है ये लाइन। ये मैंने मेज़रमेंट के लिए एक स्क्वायर बना के रखा है, देखिए एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। अब ये वाली जो डिज़ाइन है हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, ये सिंगल कलर में है, हम उसे थोड़ा एक्स्ट्रा लुक देंगे, दो कलर के लिए बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ड्राइंग। सबसे पहले इनपुट सी का उपयोग करेंगे यहाँ से, यहाँ से हम इनपुट सी का उपयोग करेंगे ये वाला जो फिगर है वो बनाने के लिए। देखिए ये मैंने इनपुट सी की मदद से बनाया हुआ है। ये हम कलर थोड़ा चेंज देंगे तो आपको दिखेगा इस पर। ये थोड़ा सा ब्रॉड है तो हमें इसे थोड़ा ब्रॉड करना है, तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी, आप मन चाहे उतना ब्रॉड कर सकते हैं। देखिए ये मैंने 5 पॉइंट दिया हुआ है, 8 पॉइंट इससे भी ब्रॉड हो गया, 3 पॉइंट सॉरी 2 पॉइंट तो पतला हो गया। हमें आई थिंक 5 पॉइंट के जितना चाहिए तो हम उतना ही रख रहे हैं, थोड़ा सा कम करेंगे इसको साइज़ के अकॉर्डिंग। अब हम इसे भी बनाएंगे इस इनपुट सी से, इस तरह से कुछ बनेगा। और ये हमने इसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है विड्थ 4.8, इसको भी हम सेम ही देंगे यहाँ से। अब हम इसकी जो आउटिंग है वो हम दूसरे कलर की करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ से जो फर्स्ट वन है वो रन है, सेकंड वन है वो ट्रिपल रन है, ट्रिपल रन में यूज़ करूँगा यहाँ से। इसकी आउटिंग अब ड्रॉ करते जाए, तो आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद ये जो पत्ती है हमारी वो यहाँ से हम सेट कर देंगे इनपुट ए की मदद से, हम इस वाली पत्ती को बनाएंगे। इस वाली पत्ती को इस साइड कॉपी कर लेंगे हम, और इसका पंचिंग भी अभी हम साथ में ही दे देंगे। देखिए ये हमें ब्लू कलर चाहिए, और इसका पंचिंग के लिए हम इसे कट पेस्ट देंगे, बैक ट्रैक भी देंगे, मशीन को थोड़ा रिवर्स लेंगे। ये दो पत्ती यहाँ से जोड़ेंगे और साथ में एक पत्ती ऊपर से जोड़ेंगे। ये हमारा पूरा ग्रुप हो चुका है, तो अब हम इसे अरेंज कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने ये जो सारी पत्तियां हैं वो जोड़ दी है यहाँ से, और अभी हम फ्लावर में थोड़ा चेंज करेंगे। हम इसे अपने हिसाब से चेंजेस करके फ्लावर को बनाएंगे।
अभी हम इसके मदद से मिरर स्टिच यहाँ पे देंगे फ्लावर को। और इसमें साथ में ही साटिन का फिलअप भी देंगे इनपुट ए की मदद से ही, जो कि वो हमारा दूसरा कलर रहेगा। तो हम उस वाले कलर को पिंक कलर देंगे यहाँ से नीचे से देखिए। तो ये दो कलर है हमारे पास, तो उसे हम ग्रुप करके बाकी का डिलीट करके देंगे। और यहाँ से इसे 8 बार घुमाएंगे इससे, देखिए ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। साथ में ही हम इसका पंचिंग भी दे देंगे। तो फ्लावर पहले हम एक पोजीशन सेट कर लेते हैं इसकी बराबर, देखिए ये हमारी पोजीशन सेट हो गई है यहाँ पे। कुछ इस तरह से ये फ्लावर हमारा दिखेगा। इसका पंचिंग देने के लिए अभी हम यहाँ से इसको जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले पिंक जो वाला कलर है उसे हम सबसे पहले इस पत्ती को कट पेस्ट देंगे। ये पत्ती ऊपर से चल रही है, तो चलते चलते जब तक ये नीचे आएगी तो बाकी के जो सारी पत्तियाँ हैं उसे हम यहाँ से जोड़ देंगे। और सेम वे हम ब्लू वाले कलर को भी पंचिंग देंगे। उसके लिए एक छोटा सा रन पास कर देंगे बैकग्राउंड में से। अभी इसका जो स्टार्ट पॉइंट है सबका हम यहाँ ऊपर सेट कर देंगे। बारी बारी सबको कट पेस्ट देंगे। थोड़ा सा मशीन को रिवर्स लेके इस वाले स्टार को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है दोनों को ग्रुप करके सब जगह पे हम इसको अरेंज कर देंगे। अब जो सारी डाली है वो हम इनपुट सी की मदद से भी बना सकते हैं। मैं स्टेम स्टिच से बना रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारी डाली का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है ये पत्ती जो है वो बनाएंगे। ये मैंने ट्रिपल रन दिया हुआ है इसमें आउटिंग में। अभी मैं एक सेंटर से लाइन खींचूंगा और डाली का जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से फिलअप हुआ है। जो पत्ती के अंदर का शेप है वो ट्रिपल रन की मदद से मैं इसे हर एक पॉइंट पे सेट करते जाऊंगा। देखिए आपको हर एक पॉइंट पे बारी बारी कॉपी करके सेट नहीं करना है, उसके लिए एक शॉर्टकट है। आप स्पेशल में जाइए, ऑप्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको जनरल टैब मिलेगा लास्ट में, वहाँ पे जाइए और ये वाला जो ऑप्शन है स्टार्ट एट करंट स्टिच वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये पेस्ट वाले टैब में आपको मिलेगा स्टार्ट एट करंट स्टिच। तो उससे क्या होगा, जो भी आप कॉपी कर रहे हैं वो जहाँ पे भी आप करंट स्टिच यहाँ पे खड़े हैं तो वहाँ पे भी वो पेस्ट होगा। देखिए ये वहीं पे पेस्ट हुआ है। तो इसकी मदद से फटाफट आपका काम आसानी से हो जाएगा। और अभी इसको हम एंगल सेट कर लेते हैं। इसका भी हम पंचिंग दे देंगे। सबसे पहले इसको कट पेस्ट देंगे, उसको बैक ट्रैक देंगे, थोड़ा सा मशीन को रिवर्स लेंगे। देखो यहाँ तक हम आ गए। सारी कॉप पत्तियाँ जो है वन बाय वन हम कट पेस्ट देंगे यहाँ से। ये ऑलरेडी हमारा पंचिंग हो चुका है, मैंने आपको बताने के लिए वापस किया हुआ है क्योंकि हमने हर एक पॉइंट पे ही उसको पेस्ट किया था तो अपने आप ही वो पंचिंग हो चुका था। फिर उसके बाद में ये पत्ती लास्ट में जो आउटिंग है उसे कट पेस्ट देंगे। तो ये पत्ती है कुछ इस तरह से चलेगी। देखिए सबसे पहले इस तरह से अंदर डाली से होते हुए फिर वो आउटिंग चलाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी जो ऑब्जेक्ट्स है हमारी उसे ग्रुप करेंगे और बारी बारी जहाँ पे भी हमारी पत्ती है तो हम उसे वहीं पे लगा देंगे। देखिए ये देखिए, ये मैंने सारी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे अच्छे से
ड्राइंग कर लिए है और उसके साथ में सेट भी कर दिए है। तो अब ये जो हमारा फिगर है वो हम यहाँ पे सेट कर दें, स्टार वाला जो फिगर है वो सेट करेंगे, साथ में उसका स्टार्ट पॉइंट भी हम सेट करते जाएंगे ताकि पंचिंग के टाइम हमें ये दिक्कत ना होए। ये स्टार वाला फिगर भी हमने सेट कर दिया है। ऊपर वाला फिगर देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नीचे वाला जो है पार्ट वो कंप्लीट करेंगे यहाँ से। तो इसके लिए हमारे पास देखिए हम इसकी आउटिंग ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा फिगर रेडी हो गया है बनके। हम ये वाली जो आउटिंग है कुछ एडिटिंग थोड़ा कर लेंगे। अब हमें ये जो छोटे छोटे स्टार दिख रहे हैं वो उसका हमें मोटिफ बनाना है। तो यहाँ से छोटे से जो स्टार है वो स्टार हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, उसका स्पेसिंग थोड़ा हम हाई देंगे और उसी स्टार से हम मोटिफ बनाएंगे। मोटिफ बनाने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट को आपको मोटिफ बनाना है उसे सिलेक्ट करना होगा, स्पेशल में जाना होगा, मोटिफ बनाना होगा, यहाँ से मेक करना होगा। स्पेशल में जाइए, मोटिफ में जाइए, मेक कीजिए और कोई भी नाम दे दीजिए। अच्छा मैं यहाँ से स्टार नाम दे रहा हूँ, स्मॉल स्टार। ये देखिए मैंने स्मॉल स्टार नाम दे दिया। यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट पॉइंट पे जाइए और जहाँ पे आपको ख़त्म करना है उस वहाँ तक आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपका मोटिफ बन गया है। तो ये मोटिफ बनने के बाद हम उसका यूज़ करेंगे डायरेक्टली। ये मोटिफ हमने रन सिलेक्ट किया है यहाँ से और ये जो आउटिंग में है वो वाला जो है वो मोटिफ यूज़ करेंगे। ये देखिए ये हमारा मोटिफ रन बन गया है। इसकी साइज़ भी आप यहाँ से छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये देखिए मैं और छोटी कर रहा हूँ यहाँ से, ओरिजिनल साइज़ से मैंने छोटी कर दी है। तो थोड़ा सा हम डिज़ाइन में भी चेंज कर देंगे। इसको अभी मैक माई प्रॉपर्टी करंट कर देंगे तो सेम साइज़ ही हमारी यहाँ पे आएगी। देखिए हमने ये फिगर कंप्लीट कर लिया है। कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं आप तो यहाँ से एडिटिंग रिशेप टूल लेके उसको एडिट कर सकते हैं आप। अबे हमें अंदर वाला फिलअप करना है तो इनपुट ए की मदद से हम अंदर पूरा फिलअप कर देंगे। देखिए हमने फिलअप कर लिया है, अंदर भी हम फिलअप कर लेंगे। हमें अंदर जो स्टिच है वो हम हमारे हिसाब से अलग से सेट करेंगे थोड़ा। देख लीजिए हमने फिलअप कर लिया है हमारे हिसाब से। तो इसके बाद हम इसका भी फिलअप कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको भी फिलअप कर लिया है, देख लीजिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये वाली पत्ती हम सेट कर देंगे यहाँ से, बीच में से हम एक छोटा सा स्टेम स्टिच पास करेंगे। इसका थिकनेस हम बहुत ही पतला रखेंगे। देखिए मैंने एकदम पतला कर दिया है और जो पत्ती है वो इनपुट ए की मदद से हम एक पत्ती ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड हम मिरर ओरिजेंटली करके कॉपी कर लेंगे।
देखिए सारी पत्तियाँ एक के बाद एक कॉपी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कहीं से भी कॉपी करते जाइए। पहला और लास्ट जो पत्ती है वो भी आपको सेट करना है खाली, बाकी सारी पत्ती सिलेक्ट करके अरेंज कर दीजिए। ये देखिए अरेंज हो गई है, सेम एक सेंटर में पत्ती जो है वो बनानी है। ये मैंने पत्ती ड्रॉ कर दी सेंटर में, और ऊपर से हम एक फ्लावर जो है वो कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे इसका स्टार्ट पॉइंट ऊपर है, तो हम पूरा उसे रोटेट कर देंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पे मैंने रोटेट कर दिया है, इसका स्टार्ट पॉइंट मैंने इस साइड ले लिया है, ये देखिए यहाँ, सॉरी इस साइड ले लिया है। अब यहाँ से हम एक रन बनाएंगे यहाँ तक, और बीच में हम फिलअप कर लेंगे। देखिए मैंने बीच में फिलअप कर लिया है। अब ये वाली जो पत्ती है वो भी मैं मिरर स्टिच से एक पत्ती बनाऊंगा, बाकी सारी पत्ती को मैं कॉपी कर लूँगा। मिरर स्टिच बनाने के लिए आपको याद रखना है, हर एक एंगल सेट करना है आपको दो पॉइंट के साथ। ये एक पॉइंट और दो पॉइंट के मैंने एंगल सेट कर लिया है, उसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ से सेट कर लीजिए। और एक बीच में रन देना है मुझे, यहाँ से मैं एक रन दे रहा हूँ, ट्रिपल रन है, कुछ लेंथ बड़ी करके। ये देखिए ये पत्ती रेडी हो गई है, तो मैं हर एक पत्ती को कॉपी कर लूँगा इमेज के अकॉर्डिंग। ये पत्तियाँ मैंने कॉपी कर ली है। अभी ये वाला एक फिगर रह गया है, तो उसे भी हम आउटिंग ड्रॉ कर लेते हैं। और इस वाले फिगर को भी इनपुट ऐसे फिलअप कर लेते हैं। देखिए ये इनपुट ऐसे मैंने ड्राइंग कर लिया है। अब जो ये सेंटर वाला पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा मोटिफ जो है उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ से। के सेंटर वाला स्टार हम थोड़ा सेंटर में सेट करेंगे। याद रखिए आपको एक ही साइड का देना है, दूसरी साइड आपको सीधा कॉपी करना है। देखिए हमारा स्टार बन गया है ऊपर, और दो लाइन हमें अंदर बनानी है। तो परफेक्ट एंगल के लिए मैंने एक मेथड बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी, उसी का उपयोग हम यहाँ पे भी करेंगे। इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, और इसका जो विड्थ है वो देख लेंगे हम कितना है, 2.2 है, तो सिंपल उसका डबल हमें यहाँ पे इनपुट सी का वैल्यू सेट करना है। 2.2 था, हम 4.4 सेट करेंगे यहाँ से। डबल वैल्यू सेट करने के बाद आप वापस उसकी जो बॉर्डर है वहाँ पे इसे सेट कर दीजिए, मोटिफ सेट कर दीजिए। देखिए ये परफेक्ट एंगल पे ही सेट हुआ है, और एक बार हमें अंदर चाहिए फिलअप, तो और एक बार हम करेंगे यहाँ से इनपुट सी, और उसका वैल्यू होगा 4.4, और वापस हम मोटिफ सेट कर देंगे यहाँ से। देखिए मैंने परफेक्ट अलाइन कर दिया है। अब जो सेंटर वाला पार्ट है उससे पहले मैं इसको हॉरिजॉन्टल मिरर करके यहाँ पे सेट कर दूंगा। देखिए मैंने कॉमन स्टार बीच में रखा था, तो कोई भी एक साइड से आप इसे निकाल दीजिए। मैं इस साइड से एक स्टार निकाल देता हूँ, ये मैंने निकाल दिया हुआ है, और इसको भी मैं कलर अभी ब्लू दे देता हूँ।
ये हो गई है हमारी सेंटर पोजीशन, और सेम अभी जो पत्ती है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए आप राइट क्लिक से ड्रैग करें और यहाँ पे आके छोड़ दें तो आपका कॉपी हो जाएगा। सेम यहाँ पे जो विड्थ हमने दी थी डेट का, तो हमें यहाँ पे भी वही विड्थ का एक चाहिए। थोड़ी ब्रॉड है लेकिन हम पतला ही रखेंगे। और सेम पत्ती यहाँ से कॉपी करेंगे। साइज़ यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट होगी, तो साइज़ यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट करेंगे हम इसकी। ये परफेक्ट मैंने यहाँ पे अलाइन कर रहा हूँ, देखिए। और दोनों साइड को ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, दोनों को ग्रुप करके मैं सेंटर अलाइनमेंट दूंगा इसको। देखिए यहाँ से सेंटर परफेक्ट आ गया है। और इसका कलर अभी हमें चेंज चाहिए, तो हमने इसका कलर चेंज कर दिया है। ये हमारा हो गया सेंटर पोजीशन। सेम वे यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट, वो कुछ इस हमारे हिसाब से ही हम ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट है नीचे, तो मैंने उस हिसाब से ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे जो है वो मैं फिलअप इनपुट एसी मदद से फिलअप कर लेता हूँ, देखिए। इनपुट ए जो है उसमें आपको एंगल सेट करने होते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने एंगल सेट कर दिए हैं, ये आपके एंगल है। इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ तो ये स्टिच यहाँ से क्रॉस हो गया। ये एंगल बताता है स्टिच का, ये मैंने सेट कर दिया है नीचे। तो अभी हमारा ये वाला पार्ट बाकी है, तो हम उसे पूरा करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से एक सेंटर रन ड्रॉ करेंगे। देखिए सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। तो एक जो है हमारी पत्ती, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये पत्ती मैंने यहाँ पे ख़त्म की है, देखिए। अभी मैं इसका जो सेंटर लाइन है वो भी यहाँ से ड्रॉ करूँगा। और सेम तरीके से हम उसमें रन की मदद से फिलअप करेंगे। ट्रिपल रन हम यहाँ से सेट करेंगे। और इसको भी हम उसी तरीके से पेस्ट देंगे। यहाँ से आपको स्टार्ट एट करंट स्टिच पे सिलेक्ट करना है, और जैसे भी आप मशीन पे आगे चलते जाएंगे उसी पॉइंट पे आपका पेस्ट होगा। देखिए ये सब पेस्ट हो गया है। आपको बारी बारी सबको एंगल सेट कर देना है। देखिए मैंने एंगल सेट कर दिया है, और ये ऑलरेडी मेरा पंचिंग कंप्लीट भी हो चुका है साथ में, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट पे ही जाके ही उसको पंच पेस्ट दिया था। तो मुझे ये जो है उसे खाली बैक ट्रैक ही देना है सेंटर लाइन को। तो ये सेंटर वाला जो पोर्शन है वो मैं ग्रुप करूँगा, और इसे मैं नीचे वर्टिकली मिरर दूंगा। देखिए ये हमारा दोनों साइड से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो मोटिफ है वो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारा मोटिफ ड्रॉ हो चुका है, हम इसे वर्टिकली देंगे यहाँ से। आपको एक साइड का स्टार निकाल देना है। देखिए हमारा परफेक्ट फिगर रेडी हो गया है। हम अंदर वाला भी फिगर इसी तरह से रेडी करेंगे। ये हमने मोटिफ सेट कर दिए है। अब हम इसके अंदर जो बटन है वो फिलअप करेंगे। बटन बनाने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ से पहले। और सेम एंगल पे दो तीन सर्कल और ड्रॉ करेंगे। तो बटन हम बनाएंगे इनपुट ए की मदद से। देखिए इसकी जो एंगल है वो हमें इस
दो सर्कल के बीच की बाउंड्री जो है उसके टच कर ही मैं आगे बढ़ता है। देखिए दोनों साइड टच होना चाहिए आपका, दो सर्कल के बीच में से आपको पसार करनी है पूरी लाइन। यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदर जाते जाना है, तो ये हमारा बटन ड्रॉ हो गया है। हम नीचे की बाउंड्री इरेज कर रहे हैं। इसको आपको देखिए बटन के जैसे आपको नहीं लगेगा अभी, आप इसे स्टार्ट और एंड पॉइंट खाली चेंज कर दीजिए। देखिए आपका बटन हो गया है, आपका जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ तक आप एक लाइन खींच लीजिए और इसे कट पेस्ट दीजिए और दोनों को ग्रुप कर लीजिए ताकि पंचिंग जब देंगे तब सीधा यहीं से स्टार्ट हो जाए वो। तो इसका कलर भी हम चेंज है, अंदर वाला कलर है, और बाकी का जो सारा है वो हम फिलअप कर लेते हैं यहाँ से। ये मैंने फिलअप हाफ ही किया हुआ है क्योंकि हाफ हमारा वर्टिकल है, तो हम इसे वर्टिकल यहाँ से दे देते हैं। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पंचिंग, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से सेट कर देते हैं। अब हम ये पूरे फिगर का पंचिंग यहीं से दे देंगे। देखिए यहाँ से मैं एक सेंटर से एक रन ड्रॉ करूँगा पिंक कलर के लिए, और पिंक कलर जो है वो मैं अब सिलेक्ट करूँगा और उसका पंचिंग यहीं से दूंगा। ये कलर मैंने स्टार्ट किया, यहाँ तक मैं गया, इसके बाद मैं ये कलर स्टार्ट करके यहाँ पे मैंने ख़त्म किया, और इस वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर से ख़त्म करके इस साइड में लेफ़्ट साइड ख़त्म करूँगा। थोड़ा सा और पीछे जाऊँगा, लेफ़्ट से चालू करके यहाँ राइट में मैंने ख़त्म किया इसको, और ये राइट से चालू करके मैं लेफ़्ट तक ख़त्म करूँगा, और थोड़ा पीछे जाके इस वाले ऑब्जेक्ट को भी साथ में पंचिंग दे दूँगा। देखिए ये कुछ इस तरह से चलेगा अभी। तो ये हमने यहाँ ख़त्म किया, इसके साथ में ही हम ब्लू कलर का भी पंचिंग दे देंगे। तो ब्लू कलर के पंचिंग के लिए हम एक शॉर्ट रन यहाँ से खींच के सेंटर तक यहाँ तक लेके जाएंगे, और ये दोनों जो पार्ट है उसे वहाँ पे पंचिंग देंगे। फिर ये वाला जो रन है वो यहाँ से घूम के यहाँ ख़त्म हो रहा है, देखिए यहाँ एंड पॉइंट है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट का स्टार्ट और एंड पॉइंट हम चेंज करके यहाँ पे ख़त्म करेंगे। मशीन को रिवर्स यहाँ तक मैं लेके आया हूँ। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट होके ये वाले ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ ख़त्म करवाना पड़ेगा। ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, देखिए यहाँ ख़त्म हो रहा है। ये ख़त्म होने के बाद इससे मुझे बैक ट्रैक देना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे यहाँ पे ख़त्म करना है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट को मैंने बैक ट्रैक दिया हुआ है। यहाँ से मैं सेंटर से और एक रन खींचूँगा, यहाँ तक मैं एक रन खींच लेता हूँ, उसे बैक ट्रैक दूंगा साथ में, और इस वाले ऑब्जेक्ट को स्टार्ट यहाँ से करूँगा, एंड यहाँ करूँगा, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसे मुझे बैक ट्रैक देके स्टार्ट यहाँ से करवाना है और एंड यहाँ करवाना है। थोड़ा और आगे जाऊँगा, सेम वे इसको स्टार्ट यहाँ से करूँगा और एंड में इस साइड से करूँगा। देखिए तो ये मेरा जो डिज़ाइन है वर्ट ये कुछ इस तरह से चलेगा। ये आके यहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा उसे हम ग्रुप कर लेंगे। अब जो बटन है हमारा ये इनपुट ए की मदद से हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। देखिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, स्टार्ट और एंड पॉइंट आप एक ही जगह पे रख दीजिए। बारी बारी सबको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। साइज़ भी थोड़ा छोटा बड़ा है तो उसमें इमेज के अकॉर्डिंग मैं साइज़ छोटा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। देखिए मैंने सेट कर दिया है, दोनों साइड मुझे चाहिए तो दोनों साइड में सेट कर दे रहा हूँ इसको, और सेंटर में जो
पत्ती है वो इस वाली पत्ती है, तो मैंने ड्रैग करके राइट क्लिक से ड्रैग कर दिया और यहाँ कॉपी कर दिया है। तो अभी ये जो सारी पत्तियाँ हैं वो मैं स्टार के साथ जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये फिगर यहाँ कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसे सारे जो फिगर है उसे ग्रुप कर लेता हूँ ब्लू कलर के साथ। ये मैंने ब्लू कलर ग्रुप कर लिया है और अभी दोनों कलर ग्रुप करके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैं इसे अरेंज कर दूंगा। ये देखिए, ये पार्ट भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये वाला जो पार्ट है वो मैं कुछ डिफरेंट स्टिच यूज़ करूँगा उसके लिए। अब जो इसके अंदर है वो मैं सॉलिड फिलअप करूँगा साटिन स्टिच की मदद से। ये देखिए, मैंने साटिन स्टिच फिलअप कर लिया है क्योंकि तो इतना बड़ा पोर्शन नहीं है, तो बीच में थोड़ा साटिन स्टिच अच्छा लगेगा। यहाँ पे अभी हम स्टार का सेट करेंगे फिगर, क्योंकि ये बहुत खाली खाली दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट पैटर्न यूज़ करूँगा। देखिए, हमें वर्टिकली मिरर करना है, तो हम पहले इस फिगर का जो है वो पंचिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस फिगर का पंचिंग कर लिया है, तो सेम फिगर हम यहाँ से ड्रैग करके नीचे पेस्ट कर देंगे। देखिए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, तो ये थोड़ा लुक हमने चेंज कर दिया है इसका। सेम फिगर हमारा यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम सबसे पहले इस फिगर का पंचिंग भी यहाँ से ही कर लेंगे, तो हमें वहाँ बारी बारी फिगर पंचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फिगर का पंचिंग मैंने यहाँ पे कर लिया है। इसका स्टार्ट पॉइंट देखिए, इस साइड से चालू हो रहा है, एंड यहाँ हो रहा है, और ये स्टार्ट यहाँ हो रहा है, एंड मैंने इस साइड किया है। थोड़ा सा पीछे लूँगा मशीन को, इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ जोड़ दूँगा, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है पूरा उसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर है, एंड पॉइंट यहाँ पर है, तो मुझे बैक ट्रैक देना हो पड़ेगा यहाँ पर, और एक सादा वाला रन ऊपर से पास कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। नीचे से ट्रिपल रन जाएंगे, ऊपर से सिंगल रन होते हुए रिटर्न आ जाएगा बैक ट्रैक की मदद से। ये मैं ग्रुप कर लेता हूँ दोनों ऑब्जेक्ट, और इस वाले एक ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे पेस्ट करूँगा कि ये थोड़ा छोटा सा है, तो हम वन साइड से ये निकाल देते हैं, और बाकी का जो फिगर है उसे हम थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। देखिए, मैंने हल्का सा छोटा कर दिया है इस साइड, तो ये ऑब्जेक्ट सही आ रहा है, वो साइड ये ऑब्जेक्ट नहीं बैठेगा, तो इस साइड में एक ही स्टार लगाऊंगा यहाँ पे। देखिए, मैंने कुछ इस तरह से जोड़ दिया है ऑब्जेक्ट सारे, और एक स्टार डालने की ज़रूरत लग रही है मुझे यहाँ पे, और एक स्टार मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये देखिए, मैंने इस वाले फिगर को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से जो फिगर है वो मैं ड्रॉ करूँगा इनपुट ए की मदद से। इसको भी हम थोड़ा डिफरेंट स्टिच देंगे। देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको हल्का सा स्टिच दिया हुआ है, और ये काउंट बनने के बाद ये थोड़ा आपको इससे भी हैवी दिखेगा, क्योंकि इसको काउंट मैंने 3 बार दिए हुए हैं, देखिए 5 बार सॉरी दिए हुए हैं, तो ये काउंट ऐसे होगा। एक जो क्रॉस स्टिच है वो आपका सिंगल ही चलेगा, लेकिन जो मेन स्टिच है वो 5 बार चलेगा, 1 2 3 4 5, फिर एक सिंगल चलेगा, फिर 5 बार, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से ये आपको डिज़ाइन में अच्छा दिखेगा। इफ़ेक्ट अलग अलग यहाँ से दे सकते हैं आप इसकी। देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया है, तो ऑलमोस्ट इस साइड वाला भी पार्ट पूरा ख़त्म हो चुका है मेरा, तो
हम इसे दूसरी साइड कॉपी करेंगे बस, बाकी सब पार्ट हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो पॉलीगॉन टूल की मदद से आप यहाँ से जो भी पार्ट हमें कॉपी करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कॉपी कर लीजिए कर लिया है, तो इस वाले पार्ट को हमें सिलेक्ट नहीं करना है। ये देखिए, इसे कॉपी करके ग्रुप करिए और डुप्लीकेट कर दीजिए, और यहाँ से हॉरिजॉन्टली मिरर दे दीजिए, और ये वाला जो पूरा पार्ट है उसे हम इस साइड जॉइंट करेंगे। हल्का सा अरेंजमेंट हम जूम करके भी कर सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से ये पूरी डिज़ाइन हमारी जो है वो बन के रेडी हो गई है। अभी हमने पंचिंग नहीं किया है, ये खाली हमने इस डिज़ाइन का ड्राइंग किया है। देखिए, हमने इसका कलर चेंज कर दिया है, तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक इमेज थी। देखिए, उस पर से हमने पूरा इस तरह का दो कलर में ड्राइंग सेट कर दिया है। देखिए, ये बढ़िया लग रहा है आपको। अभी थोड़ा चेंज हमने हमारे हिसाब से करके ये वाला ड्राइंग हमने यहाँ पे ख़त्म किया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने देखा ये पूरा गला कैसे बनाते हैं, और हमने थोड़ा डिफरेंट स्टिच यूज़ करके इसको बनाया हुआ है। तो इस डिज़ाइन का जो पंचिंग का वीडियो है वो देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए। मैंने लिंक वहाँ पे दे दिया है, अदरवाइज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं इसे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मेरी अगली वीडियो नए डिज़ाइन के साथ आने वाली है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।